Good morning and praise the Lord for this wonderful new day God has given us. सुप्रभात और आप सबको जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद हो एक नए दिन के लिए जो उसने हमें दिया है. And welcome all of you to this morning meditation from God's word. और आज की सुबह मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस सुबह के मनन के समय के लिए परमेश्वर के वचन से. Today's meditation is centered around the gospel according to Saint Mark chapter 10. Verses 33 to 45. और आज का जो हमारा वचन है जो हमने मनन के लिए लिया है वो है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 34वें वचन से लेकर 45वें वचन तक. And it is a long passage. We don't take time to read, but we will explain to you what it is. और ये एक लंबा वचन का भाग है. हम इसे पढ़ने में समय नहीं बिताएंगे. I'm sure all of you remember. Two brothers among the disciples, there were this John and James. और मुझे पूरी आशा है कि आप सब चेलों में दो भाइयों को याद रखते होंगे याकूब और यहुन्ना. And one day they came to Jesus with a very interesting request. और एक दिन वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए एक बड़ी रोमांचक अनुरोध को लेकर. And they wanted Jesus Christ to have two thrones on his right and then on the left for two of his ministers when he establishes his kingdom, one for John, one for James. और वो इस प्रकार से चाहते थे कि वो यीशु मसीह एक दो सिंहासनों को तैयार करे एक दाएं हाथ पर और एक बाएं हाथ पर जहां यहुन्ना और याकूब बैठेंगे जब परमेश्वर अपने राज्य में आएगा. And so that was, and Jesus told them. और यीशु ने उनसे कहा, You don't know what you are asking. कि तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या मांगते हो. And you know that conversation. और आप उस वार्तालाप को जानते हैं. And you know what Jesus ultimately told them. और आप जानते हैं कि यीशु ने अंत में उन्हें क्या बताया. And he said, "Whoever would be great among you must be your servant." और उन्होंने उस यीशु ने उनसे कहा कि जो कोई भी तुम्हारे बीच में महान होना चाहता है वो दास बन जाए. एंड हूएवर वुड बी फर्स्ट अमंग यू मस्ट बी स्लेव ऑफ ऑल. और आप तुम में से जो भी पहला आना चाहता है वो एक दास के रूप में आ जाए. दास स्लेव मींस नौकर गुलाम. एक गुलाम के रूप में आ जाए. There is a difference between a servant and a slave. और एक सेवक और एक गुलाम के बीच में एक अंतर है. A slave is a daily wager. He comes and does his work and he receives his wage. और एक सेवक जो है वो प्रतिदिन आता है और अपने कार्य को करता है और प्रतिदिन के पैसे लेकर मोल लेकर चला जाता है. And the master just to pay his wages and send him. He has no authority over him after that. और जो स्वामी है वो उसका वेतन उसे चुकाता है और उस वेतन को चुकाने के पश्चात उसका कोई अधिकार उस सेवक पर नहीं है. But in Jesus time, a slave is owned by the master. लेकिन यीशु के समय में एक गुलाम या एक दास जो है वो मालिक का हुआ करता था. So, Jesus is saying, John and James projected themselves to be masters and next to only the king Jesus in his kingdom. और उन्होंने खुद को यहुन्ना और याकूब ने खुद को प्रभु यीशु मसीह के राज्य में स्वामियों के रूप में दिखाया और कहा कि हमें अपने अगल बगल बैठा लीजिए. And then Jesus's reply, all of you are familiar. और यीशु का जो उत्तर था आप सब जानते हैं. So the title of today's meditation is, what does it take to be great in God's kingdom? और इसलिए आज के मनन का जो शीर्षक है वो ये है कि परमेश्वर के राज्य में महान होने के लिए क्या लगता है. The number one thing is, जो पहली बात है, humility, दीनता. That is the first thing. और ये वो पहला गुण है. If you want to be great in the kingdom of God, और अगर आप परमेश्वर के राज्य में महान बनना चाहते हैं, you should have possess a humility that is willing to serve everyone. तब आपके पास एक दीन चरित्र होना चाहिए कि आप सबके प्रति समर्पित होने को तैयार हैं. In God's kingdom, great men serve Jesus
with humility. और परमेश्वर के राज्य में महान पुरुष या महान लोग परमेश्वर की सेवा दीनता के साथ करते हैं। There are two things about humility. और दीनता के विषय में दो बातें हैं। Humility means possessing the right attitude toward the master. और दीनता का मतलब है कि स्वामी के प्रति एक सही स्वभाव को लेकर के चलना। He thinks that his master is greater than himself. और वो इस बात को सोचता है कि उसका स्वामी उससे कहीं बढ़ करके है। So he promotes his master's name. और इसलिए वो अपने मालिक का या अपने स्वामी के नाम का प्रचार करता है। He does not promote himself. और वो अपना प्रचार नहीं करता। He does not talk about himself, saying, "You know whom I serve? I am serving the great king." और वो ऐसा नहीं करता। वो जब उससे पूछा जाता है कि तू किसकी सेवा करता है, तो वो कहता है, मैं तो एक महान राजा की सेवा करता हूँ। So they all keep looking at him. Oh, he is in the king's court and all, and that is not what a real good attitude. और इसलिए वो सब उसकी ओर देखते हैं, उसे कहते हैं, देखो ये तो राजा के संग काम करता है, नहीं ये स्वभाव सही नहीं है। And so humility is possessing the right attitude towards himself. और इसलिए दीनता का मतलब है खुद को लेकर एक सही स्वभाव रखना। First, humility means possessing the right attitude towards the master, and now it also means possessing the right attitude towards himself. और दीनता का मतलब है पहली बात कि स्वामी के प्रति सही स्वभाव बना करके रखना, दूसरी बात खुद के प्रति भी सही स्वभाव बना करके रखना। Don't think more highly about yourself than you ought to. अपने विषय में आप ऊंचा ना सोचे, अपने से बढ़कर। And the second thing is what needs in the kingdom. और इसलिए वो दूसरा गुण जो राज्य में आपको चाहिए परमेश्वर के राज्य में महान बनने के लिए। Besides humility, दीनता के बाद, there must be submission. समर्पण। A servant is the one who submits himself to his master's will. और एक दास ऐसा सेवक एक वो जन है जो परमेश जो स्वामी की इच्छा के प्रति खुद को समर्पित करता है। And he accepts his master's authority over him. और वो अपने स्वामी का अधिकार अपने ऊपर ग्रहण करता है। It means doing the things we do not want to do. इसका मतलब है वो बातों को करना जो हो सकता है कई बार हम नहीं करना चाहते। When the master wants you to do it. और जब स्वामी चाहता है कि तो आप वो बात करें। And go where you do not want to go when the master asks you to go. और आपको वो स्थान पर भी जाना पड़ेगा जहां आप नहीं जाना चाहते, लेकिन आपका स्वामी या मालिक चाहता है आप जाएं। That is the second thing. और ये है वो दूसरा गुण। So humility. और इसलिए दीनता। And humility and submission. और दूसरा गुण समर्पण। The third thing is. तीसरी बात। Thankfulness. धन्यवाद। A good servant is the one who not only have a sense of duty. और एक अच्छा सेवक सिर्फ वो नहीं होता जिसके पास कार्य के प्रति लेकर अच्छा स्वभाव होता है। And what drives him to do his work is the reward. और या उसके काम को करने को प्रोत्साहित करने के लिए कोई तोहफा पीछे या पुरस्कार दिया जाए। But also his devotion. लेकिन उसका समर्पण या भक्ति। To his master. उसके स्वामी के प्रति। And thankfulness. या धन्यवादित हृदय का एक स्वभाव। These are the things that motivate him to do his job. और ये वो बातें हैं जो उसे प्रोत्साहित करती हैं उसके कार्य को करने के लिए। In Luke chapter 17 verses 7-8. लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 7वें वचन से लेकर 10वें वचन तक। Please take note of it and you read for yourself. और कृपया करके इस वचन को लिख लें और अपने आप इसे पढ़िए। The fourth thing is. जो चौथा गुण है। Faithfulness. विश्वास योग्यता। So what are the things we are considering? और कौन से वो गुण हैं जिनके विषय में हम सीख रहे हैं? What makes a person great in the kingdom of God? कौन से बातें या गुण हैं जो एक मनुष्य को परमेश्वर के राज्य में महान ठहराते हैं? Humility. दीनता। That is right attitude towards the master and the right attitudes yourself. जिसका मतलब है पर स्वामी के प्रति और खुद के प्रति एक सही स्वभाव। And secondly, submission. दूसरा समर्पण। That is a willingness to do what you don't want to do
and go where you don't want to go at the master's command. एक ऐसा स्वभाव कि आप सब कुछ करने को तैयार हैं, हर जगह जाने को तैयार हैं, कई बार जब वैसा आप करना भी ना चाहे तब भी. And thirdly, तीसरी बात, thankfulness. तीसरा गुण है धन्यवाद. A good servant is always thankful to the master. और एक अच्छा सेवक हमेशा स्वामी के प्रति धन्यवाद के हृदय को रखता है. And that includes devotion. और इसका जिसमें उसकी भक्ति भी सम्मिलित है. Thankfulness. उसकी धन्यवाद. These are the things that motivate him. और ये वो बातें हैं जो उसे प्रोत्साहित करती हैं. Then there is a reward. और उसके पश्चात एक तोहफा उसके लिए. And fourthly, चौथी बात, faithfulness. विश्वास योग्यता. A good servant is faithful to his master. एक अच्छा सेवक अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य रहता है. A faithful servant has the right priority. और एक सच्चे सेवक के पास हर बात को लेकर एक सही स्थान है. The disciples learned this truth as they went forth to serve. और चेलों ने इस गुण को सीखा जैसे वे सेवा के लिए आगे निकले. They knew they must put their master's interest first and above their own interest. और उन्होंने इस बात को सीखा और जाना कि उन्हें अपने स्वामी की जो इच्छा है उसे हर एक बात के ऊपर ठहराना है. What did it cost them? और कि उसके लिए उन्होंने क्या दाम चुकाया? They suffered. उन्होंने मुश्किलें उठाई. And most of them lost their lives. और उनमें से कईयों ने अपने जीवन को खो दिया. And faithfulness also means. और विश्वास योग्यता का मतलब ये भी है. A faithful servant is trustworthy. और एक विश्वास योग्य सेवक भरोसेमंद सेवक होता है. That means he can be counted on. इसका मतलब है उस पे भरोसा किया जा सकता है. He can be counted on to do what he is commanded to do. उस पे भरोसा किया जा सकता है कि वो उन सारी बातों को करेगा जो उससे कहा जाएगा. If you read Genesis chapter 24, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24वां अध्याय पढ़ें, you will clearly understand what it means. तब आप स्पष्ट रीति से समझेंगे इस बात का क्या मतलब है. And the third quality of faithfulness. और जो तीसरा गुण है विश्वास योग्यता के भीतर. A faithful servant perseveres. He does not stop until his task is finished. और एक विश्वास योग्य सेवक हर एक बात से होकर के निकलता है, हर एक बात को सहता है जब तक उसका कार्य पूरा ना हो जाए. He will endure. वो हर एक बात को सहेगा. Any hardship. हर प्रकार की कठिनाई को. That's what we read in Genesis chapter 24. Abraham's servant. और इसी बात को हमने उत्पत्ति की पुस्तक 24वें अध्याय में हम देख सकते हैं, जहाँ पर इब्राहिम का सेवक है. And Apostle Paul. पौलुस प्रेरित. These are all good examples. ये बहुत अच्छे उदाहरण हैं. Apostle Paul refused even to eat certain things that may offend some other brothers. और पौलुस प्रेरित तो यहाँ तक कई सारी बातों वस्तुओं को खाने से मना कर दिया जो दूसरों भाइयों को ठेस पहुंचा सकती थी. Why did he do it? और उसने क्यों ऐसा किया? Because that would please the master. क्योंकि वो बात स्वामी को प्रसन्न करेगी. Putting the master's interest above his own interest. और इसलिए स्वामी की इच्छा को अपनी इच्छा के ऊपर रखना. So may the Lord grant to us His grace. और इसलिए परमेश्वर हम सबको अपने अनुग्रह को दे. As you go forth today to live your life, जैसे आज के दिन आप अपने जीवन के जीने के लिए जाते हैं, remember, try to be great in the kingdom of God. याद रखिए परमेश्वर के राज्य में महान बनने की कोशिश करें. How? कैसे? By being humble. दीन स्वभाव के साथ. And be submissive to the master. स्वामी के प्रति समर्पित हो जाएं. And be thankful to the master. स्वामी के प्रति धन्यवादित रहें. And be faithful. और स्वामी के प्रति विश्वास योग्य बने. We need the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा का आवश्यकता. O Spirit of God. हे परमेश्वर का पवित्र आत्मा. We call upon you. हम तुझे पुकारते हैं. Today we need you. और आज के दिन हमें तेरी आवश्यकता. Lord, we want to be filled with the Holy Spirit. परमेश्वर हम तेरी पवित्र आत्मा से भरे जाना चाहते हैं. So fill us. और इसलिए हमें भर दे. That we may be led and guided into all the truth of God's word. ताकि हम तेरी सारी सच्चाई और उस सत्य में बढ़ते चले जाएं. But we not only understand them. ताकि हम ना केवल उन्हें समझें. But do them. लेकिन उनके अनुसार करें और उन्हें करें अपने जीवन में. In Jesus' name and for His glory. यीशु की महिमा और उसके नाम में. Amen. Amen. God bless you, friend. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. This is a great day. एक महान दिन है. Live and enjoy living and glorify God. और आप जिएं और परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा दें. Hallelujah. Hallelujah.